Hey guys, welcome back to my channel. Myself Prachi and होने वाली सीएम Prachi. Guys, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. और आज की वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. मतलब गाइस अगर आप पैसे कमाते हो बहुत सारे सोर्स से, तो हो सकता है गाइस कोई आपका बिजनेस हो, कोई आपका प्रोफेशन हो, और हो सकता है कोई अदर सोर्स हो. जैसे कि गाइस एग्जांपल, जैसे कि गाइस आप समझ लो मेरा एग्जांपल लो, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर मैं इससे कुछ अर्न करूंगी तो ये मेरा बिजनेस है, तो फिर इससे मैं अर्न करी तो ये मेरी पीजीबीपी की इनकम होगी. ठीक है, हो सकता है इसके साथ में जब सीएमए बन जाऊँ तो मैं प्रैक्टिस करूँ तो वो भी मेरी पीजीबीपी की इनकम होगी. तो मैं कोचिंग सेंटर्स में जाके पढ़ा सकती हूँ, वो भी मेरी पीजीबीपी की इनकम होगी. बट गाइस हो सकता है ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए केबीसी में और मैं जाके बहुत सारे पैसे अर्न करूँ और करोड़पति बन जाऊँ, तो गाइस वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, बिकॉज मैं वो काम में रोज रोज इन्वॉल्व नहीं हूँ. ठीक है गाइस, हो सकता है कि ये घर से मुझे रेंट मिले तो वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि घर से मिल रही है. ठीक है गाइस, तो आई होप आप बाइफर्केट कर पाते होंगे सारी चीजों के बीच में. बट गाइस कोई भी इनकम ऐसे अचानक से, भयानक से और कभी भी मिल जाती है. रिश्तेदारों से पैसे मिल जाते हैं, कभी भी कोई रिश्तेदार आया, दिवाली आया, फेस्टिवल आया, कोई भी आया, हमको पैसे देके चले जाता है, तो वो सारी इनकम हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलो गाइस हम लोग पढ़ते हैं कि ये अच्छी वाली इनकम, हमारी फेवरेट वाली इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज गाइस हमारी खुशी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी खुशी चाहिए ना, तो वो क्या करेगी पता है, हायर रेट ऑफ टैक्स लगाएगी. बिकॉज कभी कभी तो होती है इनकम, उसमें वो बोलेगा मुझे भी तो खुश होने दो, कम से कम हमें भी तो मौका दो खुश होने का. इसलिए गाइस वो ना बहुत टैक्स लेने वाला है, तो आप देखते जाओ आप बस. तो देखो अच्छे से सुनना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो होती है वो ऐसी 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 हेड है जो कहीं पे भी नहीं जाता है. मतलब अगर आपको ऐसी कोई इनकम दिख गई जो कि आपको समझ में ही नहीं आ रही मैम मैं कहाँ ले जाऊँ, तो फिर आप यहाँ पे ले आना, यहाँ पे उसका जगह है, ये उसका घर है, समझ रहे हो गाइस, ये उसी का घर है जो इनकम आपको समझ में नहीं आ रही ना उसका. ठीक है मैम, वेरी गुड यार, तुम लोग बाप काफी समझदार हो, मेरी बात एक बार में मान जाते हो, ऐसे ही बच्चे पसंद है मुझे. ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल से ही थे ना, तुमको भर भर के एग्जाम्पल दूंगी मैं. लो सबसे पहले डिविडेंड, जो शेयर्स होते हैं उसमें हम लोग को कमाई होती है डिविडेंड की, टेस्टी टेस्टी डिविडेंड की कमाई जो होती है, उससे हम लोग मस्त मस्त खाना खरीद के खा सकते हैं गाइस, बहुत सारा टेस्टी टेस्टी. ठीक है, तो जो डिविडेंड की इनकम होती है वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है. बिकॉज आप क्या जा रहे हो रिलायंस के यहाँ रोज जाके वहाँ पे डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हो, वहाँ के इम्प्लॉय की तरह दिन रात काम कर रहे हो, वहाँ पे झाड़ू पोछा लगा रहे हो, वहाँ पे खाना बना रहे हो, या फिर और कुछ कर रहे हो? नो मैम, हम लोग तो अपने घर में एसी में बैठे आराम से सो रहे हैं और सपने देख रहे हैं कि कब रिलायंस कमाए पैसा, तो कब मैं उसके पैसे उड़ाऊं. तो गाइस जब ऐसी खुशी मिलती है ना, तो वो अदर सोर्स से ही मिलती है. ठीक है, कैजुअल इनकम मतलब अचानक से कभी भी आप पत्ते खेलते हो रोज और आज आप जीत गए तो आपको कैजुअल इनकम हो गई. ठीक है गाइस, उसके बाद गिफ्ट, आपके घर आए रिश्तेदार जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ठीक है कुछ नहीं, तो पैसे तो देके जाते हैं, उसी का तो फायदा होता है कम से कम, तो गिफ्ट इनकम जो हो गई अपना फायदा हो गया. ठीक है, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, कोई शेयर है गाइस वो 100 रुपीज में चल रहा है मार्केट में, बट कंपनी बोली हाय मेरा प्यारा शेयर होल्डर आजा, आज देखो मैं 110 रुपए में, 110 रुपए में रिडम्शन कर देती हूँ इसका. तो गाइस अगर वो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है पर शेयर, तो वो आपका एक्सेस हुआ, वो आपका कैपिटल गेन नहीं हुआ, वो आपका क्या हुआ, वो शेयर प्रीमियम जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हुई. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन, तो इसका कॉन्सेप्ट सुनो, क्या होता है ना गाइस कभी कभी ना, जब हम लोग ना अपना घर बनाते हैं ना, जब बहुत पुरानी बात है, जब घर बनते थे ना तो लोग कहीं पे भी घर बना देते थे अपना अपना राज समझ के, रोड वोड में भी बना देते थे. ठीक है, तो क्या होता है अभी ना गवर्नमेंट जो है ना उसको बनाना रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाना है, डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, तो गवर्नमेंट को चाहिए जगह, अब लोगों का घर बीच में आ जाता है, अब यहाँ रोड जाना है, यहाँ पे उनका घर है, अब कैसे बनाए, तो उनको जबरदस्ती वहां से हटाना पड़ता है. तो गाइस अगर आप किसी को जबरदस्ती हटाओगे ना, तो आपको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा. एक तो आप गवर्नमेंट हो, आप ऐसे जोर जबरदस्ती कर रहे हो तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, तो आप जो पैसे दोगे उसको बोलेंगे कंपनसेशन. और कभी कभी क्या होता है उस कंपनसेशन से हम खुश नहीं रहते, हम बोले 1 करोड़ मिला है, बस 1 करोड़, मेरी जमीन तो 20 करोड़ की थी मेरे को सिर्फ 1 करोड़ मिला है, थोड़ा ज्यादा हो गया. ठीक है, मेरी जमीन 5 करोड़ की थी मेरे को सिर्फ 1 करोड़ मिला है,
तो फिर आप जाके कोर्ट में लड़ोगे और अपनी चप्पल घिसाई करोगे बहुत ज्यादा कोर्ट में, रोज जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, जी जान से मेहनत लगा रहे हो कि किसी तरह मेरा कंपनसेशन 5 लाख हो जाए, और एक दिन वो दिन आया और आपका कंपनसेशन हो गया 5 लाख। तो गाइस वो दिन जो था एनहांस कंपनसेशन का था, उस दिन आपका कंपनसेशन एनहांस हो गया। तो गाइस जिस दिन आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए था और अब जाके मिल रहा है, इनके बीच में तो डिफरेंस है। क्या मिलेगा मैम? इंटरेस्ट। वेरी गुड। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट रहता है ना गाइस, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ना आप सोच रहे थे कि ना मेरे को ना कुछ शेयर्स खरीदना करके, और आप सोच रहे थे कि शेयर खरीदूंगी मैं और मस्त से अमीर बन जाऊंगी। तो एक बार क्या हुआ कि ना शेयर के पैसे मांगते रहते हैं थोड़ी थोड़ी में, अपन 11th 12th में क्वेश्चन बनाए शेयर वाला, 2 रुपए मांगते हैं, फिर 5 रुपए मांगते हैं, फिर 7 रुपए मांगते हैं, ऐसा करके दिन भर कंपनी मांगते रहती है हमारे क्वेश्चन में, तो वैसे असली में भी मांगती होगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बार 2 रुपए मांगे उन लोग, तो हमारे पास थे 2 रुपए, हम दे दिए। तो एक बार कंपनी मांगती 2 रुपए, तो 2 रुपए हमारे पास रहते तो हम दे देते हैं। नेक्स्ट मंथ वो बोलती 5 रुपए चाहिए, हमारे पास तो 5 रुपए है नहीं, कहाँ से दे, हम बोल देते नहीं दे सकते करके, कंपनी बोल रही 5 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, आप कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हो क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं ना। तो उसके कंपनी फोरफिट कर देती शेयर। तो जब कंपनी फोरफिट कर देती शेयर, तो उसमें गई जो 2 रुपए आप ऑलरेडी दे चुके हो है ना, वो पैसा थोड़ी ना वापस करने वाली आपको। तो वो फोरफिटेड शेयर्स में जो अमाउंट रिसीव हुआ कंपनी को, वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, बिकॉज गाइस वो पैसे उसको मिलने वाले नहीं थे, वो तो उसकी नॉर्मल बिजनेस की इनकम थी, बट ड्यू टू आपकी डिफॉल्ट, आपने 5 रुपए देने से जो मना कर दिया, तो आपने डिफॉल्ट कर दिया, उस वजह से आपने जो 2 रुपए दे चुके हो वो उसको भी आप खो चुके हो। तो जो खोया हुआ पैसा है कंपनी के लिए वो इनकम है, और वो इनकम रोज थोड़ी ना होती है, आप रोज थोड़ी ना धोखा देते हो सबको, वो तो नहीं थे पैसे तो आपने दे दिया धोखा। तो इसीलिए गाइस वो जो 2 रुपए है वो कंपनी की इनकम होती है फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडवांस रिसीव ऑन नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। देखो गाइस क्या होता है कि ना अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ना, तो जो डीलर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उन लोग के बीच में डील चलते रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने बोला कि हमको ना ये वाली प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो वो बोला कि ठीक है चलो आज हम लोग एग्रीमेंट बना लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाद में कर लेंगे 5 6 महीने बाद जब पैसे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत महंगी प्रॉपर्टी रहती है, उससे पैसे थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। तो डील डन हुई और अपन क्या किया 1 लाख रुपए दे दिया अभी, ठीक है। हमने क्या किया 1 लाख रुपए दे दिया अभी, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन हमने 1 लाख रुपए पे कर दिया। अब क्या हुआ बाद में 6 महीने बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था ना, 6 महीने बाद ना बहुत ज्यादा कोविड आ गया मान लो, या फिर बहुत ज्यादा डाउन हो गई इकोनॉमी, और फिर आपको नहीं खरीदना वो प्रॉपर्टी, कोई भी रीजन से आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है, तो गाइस वो जो प्रॉपर्टी आपको नहीं खरीदना है आप बोल दोगे मेरे को नहीं खरीदना है। गाइस जो आप 1 लाख रुपए दे चुके हो, आपको क्या लगता है आपको वापस मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट कर चुके हो जिसमें आप बोल रहे हो कि मैं बाद में खरीदूंगी, अभी बस मैं 1 लाख दे रही हूँ, वो जो 1 लाख रुपए दे चुके हो, वो शेयर जो आप दे चुके हो अपना नेगोशिएशन के समय में, वो पैसा उस इंसान के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो चुका है, क्योंकि आप तो डिफॉल्ट कर दिया है, मतलब आप तो बोल दिया मुझे नहीं खरीदना। अगर आप खरीद लेते तो वो उसका पीजीबीपी बन जाता, बिकॉज वो उसका बिजनेस है, बट आप तो नहीं खरीदे, तो अब उसको इनकम ऐसे ही रिसीव हो गई ना, 1 लाख का तो कुछ सामान बेचा ही नहीं उसने, 1 लाख तो उसको ऐसे ही रिसीव हो गया नेगोशिएशन में, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गई, ठीक है गाइस। ये सैलरी और पीजीबीपी बिल्कुल भी नहीं होती है, ध्यान रखना इस बात का। अब गाइस और देखते हैं आगे, आगे में क्या दिया हुआ, अमाउंट ऑफ पीएफ ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। एक बार क्या होता है कि ना आपका बिजनेस रहता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं आपके पास, तो आप ना बोलते हो एम्प्लॉयज को ऐसा करो एम्प्लॉय सब लोग मेरे को पैसे दे दो पीएफ के, मैं रख लेता हूँ, मैं पे कर दूंगा सबका एक साथ। तो एम्प्लॉय बोले अच्छा ठीक है, सब अपना पैसा देके चले गए, और आपके घर में ना शादी थी किसी की, तो आप भूल गए, आपने पैसे रख के भूल गए, और आप पीएफ में नहीं जमा किए, ड्यू डेट भी निकल गई, और पीएफ के पैसे रखे आपके ड्रॉज में। तो गाइज ये जो पैसे रखे ना ये आपके हो गए अब, क्योंकि ड्यू डेट जा चुकी है, आपने पैसे नहीं जमा कराए, ये इम्प्लॉय के पैसे आपके ड्रॉज पे रखे रखे आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन गई है, आपको पता भी है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता है ना वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है, बिकॉज गाइस सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट जो है वो तो हमारा अदर सोर्स ही हुआ ना, हम बिजनेस कर रहे क्या सिक्योरिटी का,
नो मैम, हम तो बस ऐसे ही इन्वेस्टमेंट पर्पस से रखे हुए हैं। उसका इंटरेस्ट जो है वो भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी रिसीव होगा। फिर इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अब ये वाला ध्यान से समझना। क्या होता है गाइस कि ना हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी रहती बहुत बड़ी बड़ी। अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है? तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करता है, किराए पे लेता है। तो गाइस किराए पे देना इज नॉट योर बिजनेस, ध्यान देने की बात है। आपकी समझ लो राइस मिल है, ठीक है? राइस की फैक्ट्री है, राइस वाइस बनाते हो बहुत सारा। तो ना एक सॉर्टेक्स करके एक मशीन होती है, वो क्या करती है कि ना चावल में से ना जो भी कचरा रहता है ना उसको निकाल देती है, और चावल को ना पॉलिश करके फिर आगे की प्रोसेसिंग के लिए जाता है। तो आप बहुत अमीर थे, आपने अपने फॉर्म में मस्त से सॉर्टेक्स वाला लगा दिया। आपके कलीग जो थे, मतलब आपके आसपास में जो इंडस्ट्री थी, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे सॉर्टेक्स। तो उन्होंने बोला, सुनो ऐसा करो कि नाइट शिफ्ट में ना मेरे मेरी फैक्ट्री का राइस को आप सॉर्टेक्स कर दिया करो, और दिन में आप अपना कर लिया करो, मैं आपको रेंटल चार्जेस पे कर दूंगा। तो आपने बोला नहीं की और कुछ कुछ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डन करते डील। तो आप उससे 5 लाख रुपीज पर मंथ ले रहे हो सॉर्टेक्स का रेंटल। अब गाइज आप बताओ आपका काम क्या है? मैम हमारा काम है राइस की फैक्ट्री में राइस को मैन्युफैक्चर करना, उसको प्रोसेसिंग करना। वेरी गुड गाइस, इससे जो भी इनकम होगी वो मेरी पीजीपीपी की इनकम होगी, ठीक है? यहाँ पर हम कुछ भी बहुत बड़ा एसेट सेल नहीं कर रहे, इसलिए कैपिटल गेन भी नहीं हो सकती। यहाँ घर नहीं बेच रहे हैं, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं हो सकती। हम किसी का काम थोड़ी ना कर रहे जो हम सैलरी इनकम रखेंगे। तो गाइस ये चारों इनकम नहीं हो रही है, मतलब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हुई। मतलब ये वो वाली इनकम है जो हमको मशीन को रेंट पे देने के लिए हो रही है, और रेंट पे देना हमारा बिजनेस नहीं है, इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। आई होप गाइस आपको 100% लॉजिक समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का क्या मतलब होता है? ऐसा रेंट जो कंपोजिट हो, मतलब कंपोजिटली अपन को रिसीव हो रहा हो। तो गाइस अगर ऐसे रेंट रिसीव होते हैं अपन को, जो कि एक घर है वो पूरा कंपोजिट है और फिर उसमें से अपन को पैसे अर्न हो रहे हैं, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जाता है, ठीक है? तो गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे में दिया हुआ अपन को KMP का इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसे रिसीव होते हैं। सबसे पहले तो गाइस आपको समझना पड़ेगा कि की मैन कौन होता है। तो गाइस जिनके पास चाबियां होती है मैम, वो चौकीदार हमारा, वो की मैन हमारा। नो गाइस, की मैन का मतलब होता है, मतलब यहाँ पे मतलब है मेटाफर, जैसे कि ई मैन का मतलब जो बिजनेस की चाबी है, मतलब जिसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, वो मैन, जैसे कि मुकेश अंबानी रिलायंस के लिए, तो वो की मैन है। तो उनका इंश्योरेंस करवाती है कंपनीज, बिकॉज गाइस उनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। अब उनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता तो बिजनेस कैसे चलेगा, वो नहीं रहेंगे तो वो उनकी जगह अपन को किसी को तो हायर करना पड़ेगा ना, फिर तो उसको सैलरी देना पड़ेगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम होगी गाइस, एक बार के लिए थोड़ा पैसों का बेनिफिट हो जाता है ना तो दर्द कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है? तो इसीलिए की मैन का, हम जो मुकेश अंबानी है उनका अपन क्या करेंगे, अपन उनका क्या करेंगे, इंश्योरेंस करवा लेंगे, ठीक है? तो उसके बाद जब वो चले जाएंगे तो उनके जाने के बाद हमको पैसा रिसीव होंगे। अब ये काम रोज रोज तो नहीं होता ना, हम रोज रोज किसी का इंश्योरेंस थोड़ी ना करवाते, कोई रोज रोज थोड़ी ना हमको छोड़ के चले जाता है। तो इसीलिए गाइस कभी कभी इवेंट होता है, दैट्स वाई ये क्या हुआ। और वैसे भी हमारा बिजनेस थोड़ी ना है, ना ये कोई घर है, ना कोई कैपिटल असेट्स है, तो क्या ही होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है गाइस? जीवन में लाइफ में कभी भी क्वेश्चन आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, और आप नहीं समझ पा रहे हो कि कौन से हेड में जाएगा, तो प्लीज गाइस जैसे मैं आपको समझाती हूँ ना, ये घर थोड़ी ना है, ये कोई कैपिटल ऐसे थोड़ी ना है, ये मैं रोज थोड़ी ना करती हूँ, ऐसे करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि कहाँ पे आएगा ये, ठीक है? कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या होता है, ऐसे एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, उन लोग बोलते हैं कि हमको हमको मत निकालो, जैसे कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाल दिए, तो लोग बोल रहे थे हमको मत निकालो, प्लीज हम कहाँ जाएंगे, प्लीज मत निकालो। तो गाइस जब ऐसे निकालते हैं ना, तो उनको हमको ना कुछ कंपनसेट करना पड़ता है, एटलीस्ट 2-3 मंथ की उनकी सैलरी हमको पहले ही देनी पड़ती है, बिकॉज जॉब ढूंढने में टाइम लगता है ना, तो टर्मिनेशन के टाइम पे हमको कंपनसेशन जो देते हैं अपन, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है। बिकॉज गाइस ये वाला पैसा वो रोज रिसीव नहीं करने वाला, इम्प्लॉय में सैलरी में नहीं जाएगा ये, बिकॉज गाइस सैलरी थोड़ी ना मिल रही है उसको, उसको कंपनसेशन मिल रहा है बिकॉज वो जा रहा है हमें छोड़ के, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की क्या क्या इनकम होती है। तो देखो गाइस, सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब एक बार क्या होता है कि ना आपका एक घर रहता है,
पूरा एक फ्लोर का आपने अपने किराए, आपने उस घर को किराएदार को दे दिया, क्योंकि आपके पास दो घर थे, आप एक में आप रहते थे, एक आपने किराए पे दे दिया। जो किराए वाला घर था ना, उस पे एक ही फ्लोर था तो वो रहता था। अब उसको क्या हुआ, उसको यूट्यूब चैनल खोलने का मन हो गया। वो बोला मेरे को यूट्यूब चैनल खोलने के लिए ना रिकॉर्डिंग रूम चाहिए एक, तो आपसे पूछा के क्या मैं ऊपर फ्लोर कंस्ट्रक्शन करवा लूँ, तो आपने बोला हाँ करवा ले करके। तो वो कंस्ट्रक्ट करवा रहा है गाइस, वो उसको रिकॉर्डिंग रूम बना रहा है, और अब क्या कर रहा है वो खुद खुद तो काम करता है, वो वहां पर किराए पे भी दे दिया एक जन को, मतलब खुद तो वो नीचे रहता है ना, तो ऊपर भी कोई रह सकता है, दैट्स व्हाई वो क्या क्या ऊपर में एक जन को किराए पे दे दिया। तो गाइस किराए पे कौन दिया, आपका टेनेंट, आपका जो टेनेंट है वो किराए पे दिया आपकी प्रॉपर्टी को। उसने भले डेवलप करवाया प्रॉपर्टी को, बट प्रॉपर्टी तो बिलोंग टू यू ना, ठीक है, एक फ्लोर बनवाया उसने, बाकी प्रॉपर्टी तो आपके नाम पे ही है। तो ये क्या हुआ, सब लेटिंग हुआ, मतलब उसने अपने आपने उसको रेंट पे दिया, उसने किसी और को रेंट पे दे दिया, आपने उसको रेंट पे दिया, उसने किसी और को रेंट पे दे दिया, ये क्या हुआ, सब लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। और जब सब लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टी होती है तो उस केस में वो होती है इनकम फ्रॉम मदर सोर्स, ना कि हाउस प्रॉपर्टी, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। फिर रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड, हमेशा याद रखना गाइस, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि मैम लैंड है, मैम लैंड है, एचपी होगा, मैम एचपी होगा, नहीं, घर प्रॉपर्टी पे मिलता, हाउस प्रॉपर्टी, घर बनाओगे तब उसका किराए पे आपको हाउस प्रॉपर्टी मिलता है। ये खाली बंजर जमीन है, इसके ऊपर तुम हाउस प्रॉपर्टी बनी नहीं, कैसे ले लोगे। तो ये बंजर जमीन के ऊपर जो भी घास फूस उगी उसको बेच दिया आप, तो वो सब आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है, ठीक है। तो ये जमीन में कुछ भी, जमीन को बेच रहे हो, जमीन ये वो है, तो उस केस में अगर आप खाली जमीन से भी रेंट मिल रहा है, जैसे कि रेंट हो सकता है गाइस पार्किंग का, हमारे ना एकदम लाइव एग्जांपल देती हूँ, जब मैं कोचिंग जाती थी ना पहले सीएमए इंटर पे, तो ना हमारी कोचिंग सेंटर के बाजू में ना एक प्रॉपर्टी थी खाली, तो कोचिंग सेंटर वाले लोग ना किराए पे ले लिए थे वो प्रॉपर्टी को फॉर आवर पार्किंग पर्पज, स्टूडेंट पार्किंग के लिए। तो गाइस वो जो वैकेट लैंड उसने किराए पे दिया है हम लोग को स्कूटी रखने के लिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हुआ उनको, क्योंकि वो उनकी जमीन थी खाली पड़ी थी, अब उसमें इनकम आ रही है, तो क्या हुई वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कई पैसे जमा करते अपन बैंक में, उससे इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट हमेशा थोड़ी ना आता रहता है, कभी कभी तो आता है ना, तो वो जो इंटरेस्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। वैसे ही गाइस लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी सारा चीज जो है ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही आता है। कोई बच्चा जैसे गाइस आप और मैं, हम लोग ट्रेनिंग की तरह काम करने जाते हैं सीएमए फॉर्म में, हम लोग को वो 1500 रुपए 2000 रुपए का तो स्टाइफन मिलता है सिर्फ, इतना सा स्टाइफन जो रहता है गाइस वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। बिकॉज गाइस हम लोग अभी उतने वेल ट्रेन नहीं है कि हम वहाँ पे काम कर सके, जॉब कर सके, तो हम लोग को बस ऐसे ही दे देता है बच्चा समझ के उन लोग, तो फिर वो जो है ट्रेनिंग को मिल रहा है तो वो स्टाइफन जो रहता है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, ना कि सैलरी, ठीक है। फैमिली पेंशन का मतलब होता है गाइस कोई गुजर जाता है तो उसकी फैमिली को और उसकी फैमिली के मेंबर्स को कुछ पैसे दिए जाते हैं उनकी डेथ पे, तो उसको बोलते हैं अपन फैमिली पेंशन, मतलब जो फैमिली को रिसीव होती कोई पेंशन किसी इंसान की, ठीक है। तो वो जब रिसीव होती है ना गाइस, तो उसके ऊपर जो भी हमको पैसा रिसीव हो रहा है वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, ठीक है। गाइस अभी मैं आपको ब्रॉडली बता रही हूँ, अपन डिटेल में और पढ़ेंगे कि इसके अंदर कितना एग्जम्पशन रहता है एंड ऑल बाकी चीजें आगे के अपन लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिविडेंड रिसीव करते हो तो गाइस जो डिविडेंड है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, तो डिविडेंड इनकम तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही होती है वैसे भी, ठीक है। आप घोड़े दौड़ा रहे हो, घोड़े संभाल रहे हो, घोड़े दौड़ा रहे हो, घोड़े संभाल रहे हो, तो उस केस में गाइस ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, क्योंकि गाइस ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। आपको अगर नहीं आता, लॉजिक नहीं समझ में आता ना, तब याद कर लो। उसके बाद गाइज डायरेक्टर को सीटिंग फीस मिलती है, मैम बैठने के भी पैसे मिलते हैं, मुझे भी चाहिए। हाँ गाइज अगर आप डायरेक्टर बन जाते हो और आप मीटिंग में जाकर बैठ जाते हो सिर्फ, तो आपको मीटिंग अटेंड करने की सीटिंग फीस मिलती है जो कि 1,00,000 रुपए तक की हो सकती है। तो गाइज वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है, बिकॉज डायरेक्टर रोज रोज जाके मीटिंग में बैठने के लिए डायरेक्टरशिप नहीं लिया है, डायरेक्टर अपने काम करने के लिए लिया है। बट अगर वो मीटिंग में आ रहा है और उसके बाद वहां बैठ रहा है और इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस केस में गाइस उसको बैठने को चार्जेस मिलते हैं, जिसको बोलते हैं अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो चलो गाइस आगे का डिस्कशन करते हैं। तो कोई भी अगर डिविडेंड आपको रिसीव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से गाइस, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस अपन पढ़ रहे थे कि अगर कोई इम्प्लॉय जो है वो अनरिकनाइज प्रोविडेंट फंड जो होता है उसके लिए पैसे पे करता है, ठीक है, और फिर उसका लमसम अमाउंट अगर उसको मिलता है
उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है, मतलब तो वो भी एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही होता है, ठीक है। देन ट्यूशन फीस गाइस, हमेशा अदर ना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की बिजनेस है किसमें आएगा किसमें आएगा, बस गाइस हमेशा अदर ना ट्यूशन फीस हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, ठीक है। और गाइज ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। इनकम टैक्स रिफंड, जब भी इनकम टैक्स रिफंड होता है ना गाइज, तो अपन सोचते हैं कि तो पर्सनल एक्सपेंडिचर है क्या, बट नहीं गाइज, जब भी इनकम टैक्स रिफंड आता है तो ये बिजनेस एक्सपेंस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, ठीक है। याद रखना, रिफंड ऑन इंटरेस्ट, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, वो भी इंटरेस्ट पार्ट ना, इंटरेस्ट है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स रिफंड और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, पूरा लंबा लाइन दिया रहेगा जब, तब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालना, ठीक है। फिर कोई भी अपनी इंश्योरेंस, अपन को कमीशन मिलती है तो वो भी अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। कोई अनडिस्क्लोज इनकम है जिसका आप सोर्स नहीं बता रहे हो, समझ लो गाइस आपने कोई ऐसा काम किया जिसका आप बता नहीं पा रहे हो सोर्स, तो वैसे कोई भी इनकम का अगर ऐसा कोई भी सोर्स है तो गाइस आप नहीं बताओगे अगर, तो हम उसको मानेंगे कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ठीक है, क्योंकि आप बता ही नहीं रहे हो कहाँ से आई आपके पास वो पैसे, तो फिर हम कुछ भी मान लेंगे जो हमारा मन होगा, ठीक है। और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है इसका भी, कि एग्जाम स्क्रिप्ट जो भी चेक करते हैं ना, एक्सेप्ट इम्प्लॉइज, जैसे गाइज मैं हूँ, मैं कहीं भी जॉब नहीं करती, ठीक है, तो गाइज मैं अगर मेरे को सीएमए वाले लोग बुलाएंगे और बोलेंगे मैम आप प्लीज पेपर चेक कर दीजिए करके हमारे बच्चों का, और अगर मैं पेपर चेक करने गई तो अगर वहां से मुझे कोई भी इनकम हो रही है तो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, बिकॉज गाइज मेरा काम थोड़ी ना पेपर चेक करने का, मैं तो बस कैजुअली जा रही हूँ और पेपर चेक करके आ रही हूँ, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ पेपर चेकिंग करने का जो भी मुझे इनकम रिसीव होगा वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। तो आई होप गाइस आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल गया होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से सोर्सेज जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं। अब अपन सिंगल सिंगल इनकम का एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो तो चलो गाइस अपन देखते हैं कैजुअल इनकम के बारे में, ठीक है गाइस। तो कैजुअल इनकम में क्या क्या कवर होता है, लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स जो खेलते बच्चे या बड़े भी, ठीक है। उसके बाद फिर रेस, हॉर्स रेस ना याद रखना, हॉर्स रेस स्पेशली आता है इसमें, गैम्बलिंग और बेटिंग, और अपना आता है कार्ड गेम्स एंड कार्ड शोज, ठीक है गाइस, गेम शोज। तो ये सारे जैसे केबीसी हो गए तो इसमें आएगा, तो गाइस ये सारे अपन कैजुअल इनकम होता है, हमेशा याद रखना इसको ही कैजुअल इनकम बोलते हैं, यही सिर्फ कैजुअल इनकम में कंसिस्ट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ना कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। अब आप बोलोगे मैम ये डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन का मतलब गाइस आप लॉटरी टिकट गए खरीदने के लिए, तो जो टिकट का खर्चा आएगा, 10 रुपए का टिकट खरीदे 100 रुपए जीतने के लिए, तो 10 रुपए के एक्सपेंसेस आपको माइनस नहीं करने देंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस आप केबीसी खेलने गए, मुंबई तक गए, वहां पे होटल बुक किए, वहां रहे, वहां खाए पिए, फ्लाइट का खर्चा हुआ, जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए, सारे एक्सपेंसेस जो भी गेम शो में जाने तक हुए, कोई भी का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। आप वहां पे जो कमाए हो उसके ऊपर फ्लैट 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप 1 करोड़ कमाए हो तो 30 लाख आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो कुछ इनकम ऐसी जो आपको लगेगी कि तो कैजुअल है, बट कैजुअल नहीं होती। देखो गाइस, जो इनकम ऑफ फ्रॉम जॉकी, जॉकी मतलब मैम वो रेडियो जॉकी वाले जो लोग रहते हैं, जो लोग रेडियो में बोलते रहते हैं गाइस, तो उनकी इनकम जो होती है वो इनकम कैजुअल इनकम नहीं होती है, ठीक है। उनको सैलरी मिलती, बेचारों को सैलरी इनकम होती है उनकी, ठीक है। फिर विनिंग फ्रॉम मोटर कार रैलीज, बहुत सारी गाइस मोटर कार रैलीज होती है, तो वो रैली में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, जो कैजुअल वाला पार्ट है वो नहीं होती, कैजुअल इनकम नहीं होती वो, आप कैजुअल इनकम मत मान लेना उसको, ठीक है। कंफ्यूजन के लिए गाइस एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है, दैट्स व्हाई एक्सेप्शन को अच्छे से पढ़ना है अपन को, ठीक है। उसके बाद लॉटरी हेल्ड एज अ स्टॉक एंड ट्रेड, मतलब गाइस आपकी मस्त बड़ी सारी दुकान है, लॉटरी की टिकट बेचते हो आप रोज टिकट बेचते हो, 100 ठोक 100 टिकट रोज बेचते हो, तो इस बार क्या हुआ कि ग्राहक कम आए आपकी शॉप में और आप सिर्फ 98 टिकट बेच पाए, 2 टिकट रखी थी तो आपने अपना नाम डाला और लॉटरी बॉक्स में डाल दिया। तो गाइस इसमें जो स्टॉक इन ट्रेड है वो आपका जो रखा हुआ है अगर उसमें से भी निकल जा रहा है तो वो आपकी कैजुअल इनकम नहीं होगी, बिकॉज गाइस आप तो स्टॉक पे रखे हो ना उसको, इसलिए, ठीक है। फिर एक्सपेंस टू बी डिडक्टेड, इसमें कोई भी एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता है, और 80C से 80U जो अपने को चैप्टर 6 की डिडक्शन मिलती है वो भी इसमें नहीं मिलती है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं।
ग्रॉसअप का कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है गाइस, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी, ध्यान से सुनना। देखो लॉटरी जब रिसीव होती है ना अपन को, तो उसमें लॉटरी अर्न माइनस टीडीएस होता है। जैसे मैंने आपको बताया केबीसी जो होता है उसमें आपको बताते हैं ना, ये इन्होंने जीता है 1 करोड़ रुपए है। तो गाइस वो 1 करोड़ जो होता है ना उनका, वो रिसीव होता है यहाँ पे, वो लोग रिसीव करते हैं 1 करोड़। वो लोग अर्न तो ज्यादा किए रहते हैं, उसमें से टैक्स कटता है, टैक्स कटने के बाद 1 करोड़ उनको रिसीव होता है। तो वो 1 लाख और 1 करोड़ अर्न कुछ अमाउंट अर्न किए रहेंगे जो कि टीडीएस में कट जाता है, इस वजह से 30% दिया हुआ है। तो 1 करोड़ जो भी अमाउंट होगा देखते हैं, 1 करोड़ वो रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ अमाउंट है माइनस टीडीएस करना है हमको। तो वैसे आप कैलकुलेट कर ही लेना, आप क्या बता रही हूँ मैं, ठीक है? तो कैसे कैलकुलेट करते, चलो ये बता रही हूँ मैं। लॉटरी इनकम इज इक्वल टू लॉटरी रिसीव डिवाइडेड बाय 70%। मैम लॉटरी रिसीव 1 करोड़ हो रही, तो 1 करोड़ लिखो डिवाइडेड बाय 70% कर दो। तो गाइस ये जो अमाउंट आ रहा है इतना सारा, ये वाला जो अमाउंट है वो आपने एक्चुअली अर्न किया है, बट उसमें से टीडीएस पार्ट कट जा रहा है, दैट्स व्हाई आपको लग रहा है कि मैंने इतना ही अर्न किया है करके। मतलब 1 करोड़ जब हमेशा केबीसी का जो आप देखोगे तो उसमें 1 करोड़ ना यहाँ पर लिखना, उसको डिवाइड करना 70 से, और तो यहाँ पे आपका ना 14 पॉइंट कुछ 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 आएगा, ठीक है? तो वो आपने, आपकी वो इनकम हुई थी जिसमें से आपको रिसीव हुआ है 1 करोड़, ठीक है गाइस? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि ग्रॉसिंग अप करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 30%। तो हमको जो रिसीव हो रहा है वो 70% रिसीव हो रहा है, तो इसीलिए हम ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? टीडीएस विल नॉट बी अप्लाई इफ आपकी इनकम बहुत ज्यादा कम है, 10,000 से भी कम है गाइस आपकी इनकम, तो हम लोग टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मशीनरी को, अगर मशीनरी से कोई इनकम होती है अपनी और अपन उसको किराए पे दे रहे हैं, आपने कोई मशीन को किराए पे दिया, कोई पार्ट उसका किराए पे दिया, इफ पार्ट ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी, और आपकी वो मशीनरी जो थी वो बिजनेस का एक्टिविटी का पार्ट थी, तो वो पीजीबीपी होगी। अगर आपने उसको लीज भी किया है तो भी वो पीजीबीपी होगी। बट गाइस आपने ऑन हायर विद बिल्डिंग कंपोजिट रेंट, तो बिल्डिंग जो रहेगी वह हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। देखो गाइस क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई मशीनरी जो हो उसको आप बिल्डिंग के साथ दे रहे हो, जैसे बहुत सारी राइस मिल्स होती है एंड ऑल, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिजनेस होती है, तो गाइस उन लोग क्या करते हैं, एक साथ पूरा चीज को दे देते हैं किराए पे, ठीक है? लीज पे दे देते, किराए पे दे देते, हायर पे दे देते। तो अगर हायर पे दे रहे एक साथ, तो जो मिल है उसका बिल्डिंग भी आएगा, उसका ऑफिस भी आएगा, उसका पार्किंग भी आएगा, उसका गोडाउन भी आएगा, उसका मशीनरीज भी आएगा, वो पूरी चीज एक साथ गई, और उसका कंपोजिट रेंट रिसीव हो रहा है आपको। तो बिल्डिंग को हम अलग करके उसको हाउस प्रॉपर्टी में ले जाएंगे, एंड बाकी जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा। और इसमें जो डिडक्शंस है वो कैसे मिलते हैं, जो डिडक्शंस रहेंगे वो करंट रिपेयर जो रहेगा गाइस, जो अभी अभी करंट रिपेयर करवाए अपन। गाइस आपको मैं करंट और कैपिटल के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि करंट कब होता है एंड कैपिटल कौन सा होता है। प्लीज गाइस अमाउंट को देख के करंट हो ये है या ये कैपिटल है ऐसे डिटरमाइन बच्चों टाइप मत करना, प्रोफेशनल तरीके से मैंने आपको बताया है वो वाला एप्लीकेशन करना प्रोविजन का, ठीक है? तो करंट रिपेयर अगर होगा तो डिडक्शन मिलता है, अगर आपने इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम पे किया है तो उस केस में आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। कोई भी डेप्रिसिएशन है तो उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा, एंड अदर केस में भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये 4 केस है जिसका आपको डिडक्शन मिलता है जब आप हायर पे देते हो, ठीक है, मशीनरी को। अब गाइस बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग, फैमिली सॉरी फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का मतलब होता है गाइस कोई भी व्यक्ति जो है दीर्घायु वर्ष उसकी मौत हो जाती है, और अगर उसको पेंशन रिसीव होने का प्रोविजंस है तो उसके हिस्से की प्रोविजंस, उसके हिस्से की पेंशंस उसके फैमिली को मिलती है, तो उसको हम कहते हैं फैमिली पेंशन। मतलब फैमिली को जो अमाउंट मंथली रिसीव हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी फैमिली को मिल रहा है, ठीक है? तो अब अपन जो भी अमाउंट मिलता है ना गाइस उसका अपन स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, मतलब उसका अपन खर्चा माइनस करते हैं। कैसे करते हैं मैम, 1/3 ऑफ पेंशन, जैसे अगर आपको 100 रुपए रिसीव हुआ तो 33 रुपीज या फिर 15,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो हमारे केस में 33 कम है तो 100 - 33 कम कर देंगे, ठीक है गाइस? तो ऐसे करके डिडक्शन मिलता है क्या, 1/3 ऑफ पेंशन, जो भी पेंशन रिसीव होगी उसकी 1/3 या 15,000, उन दोनों में से जो भी कम रहेगा उतने का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, ठीक है?
लमसम पेंशन अगर आपको कोई भी रिसीव होती है ना गाइस, तो उस केस में हम टैक्स नहीं लगाते हैं। एक साथ नहीं लेने पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आप मंथली मंथ मंथ हर मंथ लोगे तो टैक्स लगता है, ठीक है। अगर कोई एक्टिव सर्विस के दौरान किसी की डेथ हो जाती है, समझ लो कि जैसे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होता रहती तो उसमें किसी की वहां से गिर के मौत हो गई, बिल्डिंग से गिर के, और ऐसा कुछ भी हो गया, छोड़ो ना, ठीक है, तो डेथ हो जाती है उस केस में, तो क्या होता है, इफ अमाउंट पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल अगर पे कर रही है उस इम्प्लॉय के गिरने की वजह से जो मौत हुई है कंस्ट्रक्शन में, तो उस केस में गाइस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दे रही पैसे तो एज अ कंपनसेशन दे रही है उसकी फैमिली को, तो हम उस केस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि यार हमारे वजह से, हमारे इन द सेंस जो भी जिस कारण से भी लैक ऑफ सेफ्टी के वजह से किसी की मौत हुई है तो टैक्स नहीं ले सकते ना, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फैमिली पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता ही है इसमें से, ठीक है गाइस। तो चलो देखते हैं कि अगर शेयर प्रीमियम जो है हमको एफएमवी से ज्यादा में मिलेगा तो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो गाइस बहुत ध्यान से समझना है, इसमें तीन चार कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन तो ये कि नॉन रेसिडेंट और लिस्टेड पे ये एप्लीकेबल नहीं होते ये सेक्शन, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, देखो शेयर प्राइस जो है ना उसका आपको ऐसे देखना है कि समझ लो 10 रुपए का आपका फेस वैल्यू है और आपसे कितना ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, ठीक है, 15 ले रहे हैं, जब उसका एफएमवी 16 है, ठीक है। रुको मैं पेन चेंज करके समझाती हूँ। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।